राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट क्या लेने जा रहे हैं? मुझे लेना है एक बैग। बाबू बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा। और काना रहेगा घर पे, काना को नहीं लेकर जा रहे हैं, नहीं तो दो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा उलझाट हो जाती है। आज मैंने डाली है, ये देखिए, वेस्टर्न ड्रेस, और मैंने और बाबू ने डाला है जीन्स और कोट। ये बांध लो ना, बांधा। काना को दे दिया है एक फोन, उसमें कॉमेडी जो वो आते हैं ना, कॉमेडी वीडियो आते हैं, वो देख लेगा। और टीवी भी चला रहे हैं, साथ में चलाई है टीवी। और तीन तीन के सवा तीन बज चुके हैं, अभी हम फटाफट से निकलते हैं। मास्क मैंने ले लिया है, पर्स ये है, ताला चाबी पकड़। फटाफट से गाइस निकलते हैं, फिर घर भी पहुंचना है, और जल्दी से घर पहुंचना है क्योंकि काना है ना अकेले घर पे। हाँ बस बाबू अभी आ जाएंगे, काना पूछेगा कब तक आओगे। एक ही जगह नहीं जाना है, फटाफट से हमें पहले यहाँ पर देखना है कुछ, उसके बाद यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो फिर जाएंगे मार्केट की तरफ। और ये आ गए हैं अभी हम मॉल में, तो सबसे पहले गए हैं हम स्टेन मैक्स में, और यहाँ पर देख रहे हैं हम छोटे बच्चों के कपड़े। और किसके लिए देख रही हूँ वो जल्दी ही बताऊंगी आप लोगों को। तो वहाँ पर से तो आ गए थे हम, और अभी देख रहे हैं हम बैग। तो बैग अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन देखते हैं कहाँ पर से लेते हैं। तो अभी दूसरी शॉप में आ गए हैं, और यहाँ से मैं क्या देख रही हूँ, जैकेट देख रही हूँ अपने लिए। तो जैकेट यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आई हैं, और ये देखिए ट्राई कर रही हूँ, तो देखती हूँ कौन सा लेती हूँ। आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी कौन सी ली है। और गर्म कपड़ों पर ना डिस्काउंट चल रहा था, और यहाँ पर मैंने अपनी आवाज़ को म्यूट इसलिए कर दिया कि यहाँ पर ना सॉन्ग बज रहा था और कॉपीराइट आ जाता वीडियो में। तो मैं बाबू के साथ बात कर रही हूँ, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ ना इसमें मैं। तो वो कह रही थी कि नहीं, इतने भी मोटे नहीं लग रहे हो। तो अच्छी है जैकेट, और अभी जैकेट तो फ़िलहाल पकड़ ली है मैंने, थैले में रख दी है, और अभी जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर भी बच्चों का कलेक्शन है सेकेंड फ्लोर में, और देख रही हूँ मैं तो किन बच्चों के लिए ले रही हूँ मैं, वो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी ही बताऊँगी। और ये देखिए, अच्छा बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन आया हुआ है, अच्छा कलेक्शन आया हुआ है छोटे बच्चों का, जैकेट का, कपड़ों का, बहुत ही प्यारे लग रहे थे यहाँ पर गर्म कपड़े। और लड़कियों के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो इस दिन तो हमने नहीं लिए, लेकिन नेक्स्ट डे ना, अभी ये वीडियो लेट आ रही है तो हम दूसरे दिन गए, और दूसरे दिन ले आए। अब कौन से लिए हैं, क्या लिए हैं, वो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, तो मैं बताऊंगी किसी वीडियो में। और किसके लिए ले रहे हैं ये भी बताऊंगी, कहाँ जा रहे हैं ये भी बताऊंगी, और अभी कुछ नहीं बता रही हूँ। तो नेक्स्ट डे गए थे हम फिर से, और लेकर आ गए थे, कौन से लिए हैं वो तो तभी पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये सूट भी आ रखे हैं गर्म, बहुत अच्छे सूट आए हुए हैं, कुर्ती आई हुई है गर्म में, और मैं देख रही थी, लिया नहीं मैंने, और ना कुर्ती लेने के चक्कर में थी मैं। ये पूरा सूट है रेड कलर का, अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने तो पिछले साल बनाए हुए हैं अपने लिए, लेकिन जब मॉल में जाती हूँ ना मैं, तो मैं ऐसे ही देखती हूँ कपड़ों को, चाहे वो लेना हो ना लेना हो, थोड़ा सा देख लेती हूँ कि कैसे लग रहे। तो ये हम नीचे आ चुके हैं, और अभी चलते हैं बिंदल में। तो बिंदल में भी मैं देख रही थी ध्यानी जी के लिए टोपी वगैरह, और तब तक आ गए थे ध्यानी जी भी। तो जब किसी दूसरे के लिए कपड़े लेने होते हैं ना, जैसे कहीं हम जा रहे हैं तो वो लेते हैं, वो देखते हैं, मेरा भरोसा नहीं करते हैं। वैसे मैं भी ठीक ठाक ही लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनको दूसरे के मामले में मेरे पर भरोसा नहीं होता। ये नहीं कि मैं अपने लिए अच्छा लूँ और दूसरे के लिए बेकार लूँ, लेकिन थोड़ा सा है ना होता है। तो सारी पूरी बात मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बस इस समय मैं यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कि हम थोड़ा सा शॉपिंग करने गए हैं। तो ये देखिए, यहां पर थैले बांध लिए हैं हमने। हाय गाइस, तो छोटे बच्चों के कपड़े ले लिए हैं, और अपनी जैकेट भी मैंने ले ली है, अभी चलते हैं घर, काना छोड़ा हुआ है घर पर।
तो इसी वीडियो में ना मैंने चांदनी चौक की वीडियो भी जोड़ी है। चांदनी चौक में क्या लेने गई थी आप लोगों को अभी पता चल जाएगा आगे। तो ये देखिए ध्यानी जी की हर जगह हर समय 24 घंटे कॉमेडी चलती रहती है। गाइस ध्यानी जी को देखिए, अभी बिंदल से टोपी ली और मेरा टोपा दे मैं मोमो टोमा कुछ नहीं, चलो सीधा घर चलो। तो अपने बच्चों के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया और बाबू को चाहिए थे सॉक्स और उसके लिए ना सॉक्स लिए थे मैंने पहले, तो नाराज़ हो रहे थे, ये देखे दोनों की पंगेबाजी। तो बस ये ऐसे खेलते रहते। तो यहाँ पर अभी उसकी जिद पूरी करनी पड़ेगी। जी के ऐसे फनी काम रहते हैं, अपने टोपी का जो स्टिकर होता है ना वो चाकू मांग रहे उसको काटने के लिए है। आज जा रही हूँ मैं, कहाँ जा रही हूँ, चांदनी चौक जा रही हूँ और वहां से लेना है मुझे अपनी बहन के लिए ट्राईपॉड और एक माइक लेना है उसके लिए एक ट्राईपॉड लेना है उसके लिए। तो देखते हैं कैसा ट्राईपॉड मिलता है। वैसे मैंने ऑनलाइन भी चेक किया लेकिन ऑनलाइन समझ नहीं आता है ना, कभी कभार ये होता है कि पता नहीं कैसा आ जाए क्या आ जाए। और अभी देखती हूँ चांदनी चौक में, वैसे ऑडिवन चल रहा है दुकानों का, अभी सारी दुकानें तो खुली नहीं होंगी लेकिन अच्छे प्राइस पे और जिस प्राइस पे मैंने ऑनलाइन में चेक किए तो वही वाला प्राइस मिल जाएगा, तो मैं ले आऊँगी नहीं तो घर आके ऑर्डर कर दूँगी अमेजोन से, परसों आ जाएगा सुबह। तो चलिए और ध्यानी जी जाएंगे मेरे साथ और वो वहाँ से ऑफिस निकल जाएंगे और मैं घर को आ जाऊँगी। चलो चलो बाबू बंद कर दो, ठीक है खाना खा लेना। टोपी और क्या बोलते हैं मफलर बाबू कह रही है और पापा ने दिए, देखो बल्का लाए वाला राज पहन लिए। हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं और हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ से मार्केट के अंदर हमने जाना है। तो लाल किला दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, जब भी हम चांदनी चौक आते हैं ना लाल किले के सामने आते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ कहाँ पे लाल किला, बैक कैमरे से दिखाती हूँ जहाँ पर से मोदी जी भाषण देते हैं। मोड़ा लाल किला, यहाँ पर ना आर्मी वाले घूम रहे हैं, पुलिस वाले घूम रहे हैं और सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है और दिल्ली को आज अलर्ट भी किया गया है। ये देखिए पूरी आर्मी बिछ गई है। आ चुके हैं मार्केट के अंदर और इधर है जैन मंदिर और उधर है गुरुद्वारा, उधर है शिव मंदिर। बहुत चौड़ी रोड बन गई है पूरे चांदनी चौक में, पहले बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी और रोड बिल्कुल भी नहीं थी चलने के लिए। आजकल मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही ब्लॉग अपलोड करूंगी, डेली रूटीन का बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे पास। यहाँ पे मिलते हैं ट्राईपॉड कैमरे माइक सारा कुछ, बहुत पतली गली है यहाँ, बहुत ज़्यादा पतली गली है और भीड़ भी बहुत होती है यहाँ पे। ये कितने का बताया आपने? 11.5 और ये वाला 11.5 और 12। ये वाला ट्राईपॉड कितने का है, कितने का बताया था? हैं 900 रुपए। ये थोड़ा सा वैसा है, हल्का सा है ये। पहले के मुकाबले ट्राईपॉड यहाँ पे बहुत महंगे बोल रहे हैं, इनको पूछो, यूं तो पूछो जरा। ट्राईपॉड बता रहा मुझे, ये सफेद वाला का कौन सा है? ये वाला है। हां ये बोल में, वो तो बड़ा कैमरा वाला था ना, ये मोबाइल के लिए, कुछ और है। कितने का है ये? 800 रुपए। 800 गारंटी वारंटी कुछ है इसकी? हैं गारंटी वारंटी मतलब खराब हो जाए तो कुछ नहीं? खराब नहीं होता मैडम, इम्पोर्टेड आइटम है और आपकी चीज अच्छी है क्वालिटी, जैसे आपको बोया ओरिजिनल आता है ना 750-800 रुपए का, उसकी क्वालिटी है। तो बोया का तो और आजकल डुप्लीकेट आ रहा है, डुप्लीकेट आ रहे हैं 350-350 रुपए। तो ये आवाज अच्छी देगा? तो बढ़िया आवाज देगा, कोई दिक्कत नहीं। और बैंक को 800 रुपए से बिल्कुल भी कम नहीं? 900 रुपए। कितने का लगेगा ये बताओ भैया? ये और ये लेना है तो बताओ कितना होगा? तो अरे यार देख लो प्राइस है क्यों मान, इसका नया पीस दोगे? हाँ बिल्कुल, ये मुझे दिखाना है कितना बड़ा होता है, दिखाओ जरा लेंथ दिखा दो। अच्छा बराबर है। ओ
हाँ हाँ लेंथ काफी है, काफी है, काफी है। चलो देख ही लेती हूँ। हाँ ठीक है, फोन के लिए ठीक है, है ना, फोन ही तो लगाना है। हाँ चलो ये कौन बोलो, कम कर बोलो, बोलो बात मैं बता, दोनों चीज लो मैं आपको ठीक लो, बिल्कुल भी नहीं करोगे कम? 1500 रुपए दे रहे हो, दोनों दे दो। मैं आप इसे काट लूँ इसका, मैं सबको निकाल दूँगा सर, 900 रुपए और 800 रुपए एक ही रेट होंगे, कम नहीं है। मैं थोड़ा बहुत तो होता ही है, हम पहले भी तो आए हैं यहाँ, आज पहली बार थोड़ी आ रहे हैं। आपकी बात ठीक है मैडम, हैं प्राइस में कम नहीं है। आ गया हमारा ट्राईपॉड, क्या क्या बोलो यू अभी ये खड़े ओ बैग भी है इसका। ये इसकी क्लिप है, ओ क्लिप बिछाने निकालो क्या, चलो बंद कर दो ताल नाटी का अच्छी, ये फोन ठोक रहा है। चलो ये मैंने ली माइक, माइक वे मैं की लूला। अभी हम आ गए हैं माइक लेने के लिए, बोलो ये बुढ़िया में बोलो, तुड़ो बुढ़िया ये चेक करवा रहे हैं अंकल जी हमें। इसकी कितनी मीटर लंबी तार है? 6 मीटर, 18 फीट, मतलब काफी है बहुत। अच्छा इसमें 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 पहले माइक वो तो लगा, हाँ हाँ जी। ये DSLR कैमरा जो होता है ये कैमरे पे लगेगा, कैमरे पे लगेगा जब मोबाइल लगाना हो। हाँ। ये Samsung 3.5 का है। अच्छा ये अडेप्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है ठीक। बस इसका ध्यान रखिएगा, ये इसका भी ध्यान रखिएगा, ये गिरने ना पाए, ये गिरता है कि कंडेंसर खराब हो जाता है। अच्छा ये गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, ये खराब हो जाता है, नहीं तो जब लगाना हो तो इसको यहाँ से पकड़ और खींचना, यहाँ से पकड़ के ले जाइए। अच्छा तार नहीं खींचना, हाँ जी ठीक है ठीक है, ये उनको समझा दीजिए, जब वहाँ भी लगाए तो उसको लगा के यही केयर करना होता है, ये सालों साल खराब नहीं होगा। कान पर नहीं मिला, जब कहीं बाहर जाते हैं जैसे आवाज नॉइस के लिए तो ये ऊपर ये भी लगा लेंगे। अच्छा फिर नॉइस कैंसिलेशन लगा। अच्छा ये सारे ट्राईपॉड भी रखे हुए हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ट्राईपॉड बहुत अच्छा मिल गया है और माइक भी अच्छा मिल गया है कंपनी का, तो ये वारंटी कार्ड है। और चलिए अब चलते हैं, यहाँ की भीड़ देखिए बहुत पतली गली है और भीड़ दुनिया भर की। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर आ गए हैं हम गली से बाहर और ये देखिए ध्यानी जी हो रखे हैं यहाँ पे खड़े और बहुत अंधेरा था उस गली में। और ये है कैमरे वाली गली, मतलब जब हम उधर से आते हैं ना तो सीधा पहले कैमरे वाली ही गली निकलती है। गाइस चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, कोई मेरा मोबाइल छीन के ना ले जाए हाथ से। देख रहा मैं।